ऐसी खबरों को थोड़ा ही सेंसर करेंगे। ओ, तो ये दुनिया भर में फैल गई हिंदुस्तान की नॉन वायलेंस। तो क्या करें हम? हम ये आंदोलन बंद कर दें। जलियांवाला बाग के बाद ये तो ईंट का जवाब पत्थर था। ईंट का जवाब पत्थर से दें तो फिर तमाम दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पर गांधी जी सोचिए तो, लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। अब ऐसी तैयारी फिर कभी नहीं होगी हमसे। आज पूरे का पूरा देश आगे बढ़ चुका है। हाँ, मगर किस दिशा में? तुम अपनी आजादी मारपीट और खून खराबे से चाहो तो मैं उसके साथ नहीं। बापू, लोग आपको राष्ट्रपिता कहते हैं। उसके लिए शर्मिंदगी ही महसूस करता हूं मैं अब। पर वो सिर्फ एक वाकया था। ये जाकर कहो मारे गए पुलिस वालों की विधवाओं से। बापू, कोई लाख चाहे ये मुमकिन नहीं। हम कितना भी रोकना चाहें नहीं रुकेंगे लोग। मैं कहूंगा और उनकी भावनाओं को भड़काने के अपराध में आमरण अनशन भी करूंगा, और वो तभी टूटेगा जब वो रुक जाएंगे सब। मगर उफ, इस खबर को ब्रिटिश कभी सेंसर नहीं करेंगे। इस बात को गली गली उछालेंगे। गांधी जी, बवाल शांत नहीं होगा, नहीं रुकेंगे लोग। अगर मैं मर गया तो मुमकिन है रुक जाएं। विहाय काम्यान् मुझे सुबह की प्रार्थना की तैयारी करनी है। मेरा बेन यहाँ है। पानी ले आई हूँ पीने का। थोड़ा लेमन जूस है और कुछ नहीं। हरमन गए हैं मिलने पंडित नेहरू से। उनका एक टेलीग्राम था। अब तो दंगे फसाद रुक से गए हैं सब जगह। पूरी तरह जब बंद होंगे तभी समझूंगा कि प्रार्थना सुनी गई। तुम मुझे जितनी समझती हो। मैं क्या जानू, ये जानती हूं आप सही हैं, ये नहीं कि ये सब सही है। कल आदू निराशा ने जब भी घेरा तो बार बार इतिहास साक्षी हुआ कि प्यार और सत्य की यहां सदा विजय हुई। इस धरती पर बहुत से हत्यारे और सितमगर हुए और कभी कभार ऐसा लगा कि विजय उन्हें ही मिलेगी।
पर आखिर यही हुआ कि वो मिट गए। ये हमेशा ध्यान रहे, जब भी तुम्हें इस बात का शक हो कि ईश्वर की इच्छा है और इसीलिए दुनिया चल रही है इस मार्ग पर, तो ये सोचना और कोशिश करना सही राह पर चलने की। और अब खून भर और मिल जाए लेमन जूस। पंडित जी, जिन्ना पटेल और पूरी कांग्रेस ने इस सत्याग्रह को खत्म करने का फैसला किया है। एक जगह भी कोई मोर्चा नहीं। हिंदुस्तान भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अनशन खत्म करें। लोग पुलिस और ब्रिटिश सोल्जरों से प्यार से गले मिल रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं। मुझसे शर्त ज्यादती हो गई।